कहाँ तक हो गए थे? मैं सर क्वेश्चन आंसर हो गया था। तीन नंबर करना है? तीन नंबर करना है बच्चों। देखो सी नंबर देखते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट? हाउ आर दे डिफरेंट? बच्चों ये सब डिफरेंट कैसे हैं? कौन कौन सा पहले बताना? पहले बताना डाटा इंफॉर्मेशन। बच्चों फर्स्ट बताना इसके बारे में, डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन बच्चों बताइए, डाटा इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? बताएगा डाटा इंफॉर्मेशन क्या अलग है दोनों में? बच्चों डाटा इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंट है तो बताएगा? अर्पित सर, इनपुट एंड आउटपुट। क्या इनपुट है? हार्ड कॉपी और हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अरे बेटा बताना है, इसको बताना है क्या है ये डाटा इंफॉर्मेशन, क्या डिफरेंस है? डाटा इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंस बताना है? तो बताएगा डाटा इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंट है? डाटा इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंस है बच्चों, बताओगे? मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। डाटा कनेक्टिंग रे वाइट एंड पैच। बच्चों जो हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं, ठीक बच्चों, इनपुट के तौर पे वो होता है, ठीक है? लिखो डाटा में, लिखो डाटा में, ठीक बच्चों लिखो, स्कूल के अंदर पढ़ा है, डाटा में लिखो बच्चे हैं क्लास। वी फीड डाटा, वी फीड डाटा इन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर या फिर इसको हटा दो बच्चों, डाटा हटा दो, इसको हटा दो पहले वाला, बस लिखो यहां से वी फीड, यहां से लिखो फिर बच्चों, इसमें लिखो आंसर, लिखो इसमें बच्चों, इसमें आंसर लिखो। We feed to we feed data. We feed data into computer. Data.
लिखो वीसी डाटा इनटू द कंप्यूटर। लिख लिए एंड कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सर ये क्या है प्रोसेस्ड क्या बेटा क्या बता पूछो कुन्नी वीसी डाटा में डाटा डालते हैं बेटा अरे डाटा लिखी डाटा लिखी वीसी डाटा इनटू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर क्या करता है बच्चों प्रोसेस करता है ठीक है डाटा को प्रोसेस करता है एंड क्या करता है फिर क्या करता है बच्चों फिर एंड डिस्प्ले कर देता है उसको क्या करता है डिस्प्ले कर देता है क्या करता है डिस्प्ले कर देता है डिस्प्ले डिस्प्ले प्रोसेस डाटा प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन द form of information sir ha ye kya hai kaha beta kaha pe bolo that ha sir hatiye kaha bataye सर हटिए ऑफ सर ऑफ के बाद क्या लिखा है फ्रॉम ऑफ कहां बेटा ऑफ के बाद फ्रॉम प्रोसेस डाटा इन द फ्रॉम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हां हम लोग क्या करते हैं डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं जिसको क्या करता है प्रोसेस करता है प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमको दिखा देता है तो ये डिफरेंस है बेटा ये डिफरेंट है दोनों में यही डिफरेंट है ठीक है हमने लिखवा दिया ठीक है समझ गए हो सब लोग यही तक है सर हाँ हाँ बस यही तक है सब लोग समझ गए हो बच्चों आंचल कुमारी आंचल समझ में आया बेटा यस सर अदिति समझ में आया निष्ठा कुमारी कंप्यूटर के बाद ही क्या लिखे हैं कंप्यूटर के बाद एंड कंप्यूटर यहाँ प्रोसेसेस है प्रोसेसेस है प्रोसेसेस करता है ना प्रोसेस करता है उसके बाद हाँ बेटा सारा करवाएंगे हाँ बेटा सारा करवाएंगे सही डाटा के बाद क्या लिखे हैं डाटा के बाद कहाँ पे सर जो नहीं सर ऊपर उसके छोड़ा ये उसके नीचे सर ये वाला सर बस यस सर यस इसके बाद इन द लिखा है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सर वो द डाटा वाले के बाद डिस्प्ले बेटा डिस्प्ले डी आई एस टी एल ए वाई डिस्प्ले दिख नहीं रहा सही से नहीं सर दिख रहा है
जल्दी करिए इसको, फिर दूसरा कराते हैं। बच्चों डाटा क्या है जो हम लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में डालते हैं, वो क्या डाटा है, ठीक है। और हो गया बच्चों, सर हो गया। ओके बेटा। यस सर, मेरा भी हो गया। बात नहीं। बच्चों सेकंड है, इनपुट एंड आउटपुट है क्या? सेकंड क्या बच्चों? इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड बच्चों आउटपुट लिखो, इसमें लिखो आंसर में। We feed data in for and instructions into the computer हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये क्या बच्चों? दीज आर इन इनपुट बच्चों, इनपुट है, हम लोग देते हैं, इनपुट होता है, ठीक है, लोग देते हैं, इनपुट होता है। दीज आर इनपुट, दीज आर इनपुट बच्चों। आगे लिखो, द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द प्रोसेसर इज कॉल्ड आउटपुट। The result the result of the work done by the processor is called the output, by the processor is called बच्चों समझ में आ रहा है? जो हम लोग डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में, वही क्या होता है, इनपुट होता है, और रिजल्ट जो आता है बच्चों प्रोसेसर से,
प्रोसेसर जो रिजल्ट देता है वर्क डन का, काम होने का, वही क्या होता है आउटपुट। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे कराते हैं। सर हो गया, अब कुछ नहीं है सर, मेरा हो गया। ओके बेटा, सबका हो गया? हाँ सर। करो जल्दी बच्चों, हो गया। ओके, सबका हो गया ना? यस सर। हाँ बच्चों, आगे देखो, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बच्चों बताओ कोई, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। सर इनपुट डिवाइस, हाँ सर इनपुट डिवाइस होता है, वी फीड डेटा इन इंटरेक्शन इनपुट into the computer, that's our input device. बच्चों देखो भैया, देखो देखो, थर्ड वाला input device, and input device and बच्चों output device, बच्चों जो जिस डिवाइस हम लोग इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस है, जिस डिवाइस हम लोग क्या देते हैं आउटपुट पाते हैं। लिखो बच्चों, आंसर लिखो, वी फीड इनपुट, वी फीड इनपुट बाय इनपुट डिवाइस, इनपुट बाय इनपुट डिवाइस, वी फीड इनपुट बाय इनपुट डिवाइस, बाय इनपुट डिवाइस एंड वी गेट, we get output, output by output device. बच्चों हम लोग फीड करते हैं इनपुट किससे, इनपुट डिवाइस से, एंड वी गेट आउटपुट, हमको आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस से। करो बच्चों। ओके सर। सर हो गया। हो गया सर, मेरा भी हो गया। सबका हुआ बच्चों, सब बोलिए यस। यस सर। अवनीश, मेरा भी हो गया। अनीश कुमार रावत, मेरा भी हो गया। सबका हो गया ना, इरेज करता है। ठीक है, लास्ट बेटा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। Yes, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है बच्चों,
लास्ट करते चलो, क्या डिफरेंट है दोनों में? हार्ड कॉपी सबको बताइए बच्चों, बताइए क्या क्या है डिफरेंट? हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट, बताओ बच्चों क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलो। बताओ बच्चों, देखिए। हाँ बोलो बेटा। हार्ड कॉपी में होगा आउटपुट फ्रॉम अ प्रिंटर इज कार्ड, हार्ड कॉपी इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। हाँ बेटा, आउटपुट फ्रॉम अ प्रिंटर इज नोन एज अ हार्ड कॉपी। बेटा लिखो आउटपुट, बच्चों आउटपुट फ्रॉम अ प्रिंटर, आउटपुट फ्रॉम द प्रिंटर, फ्रॉम अ प्रिंटर इज नोन एज द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कोई जगह एंड बच्चों एंड देखो, और सॉफ्ट कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी क्या है? नहीं गले से नहीं, जहाँ से रही है वही से निकाल दी। एंड सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर, एंड अ सॉफ्ट कॉपी, एंड अ सॉफ्ट कॉपी सब में कहा था लिखना, सॉफ्ट कॉपी is soft copy is a document nahi aawaz chale rahi nahi aaj baad mein report aayega sir bata uske upar report aayega document saved on the computer hard copy soft copy document document नहीं नहीं वो सेव डाउन ऑन कंप्यूटर, सेव डाउन ऑन कंप्यूटर कर लो बच्चों।
सर मेरा वो गया। हाँ तो चुप। चलो बच्चों डी नंबर में आओ, डी नंबर में, डी नंबर में आओ बच्चों, डी नंबर में आओ। देखो डी नंबर, डी नंबर में आओ बच्चों। 13 नंबर, 18 नंबर में आए। चुप रहो बस, चुप रहो। बच्चों देखो ध्यान दो, अब देखिए आइडेंटिटी आइडेंटिफाई व्हाट विल बी प्रोसेस आउटपुट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। बच्चों फर्स्ट देखो बच्चों, ओवन ओवन डिवाइस है, हमने इनपुट क्या डाला उसमें, देखो ओवन में क्या क्या डाला ओवन में बच्चों, हमने ओवन में डाला पिज्जा बेस टॉपिंग एंड चीज। ठीक है बच्चों, हमने पिज्जा बेस और उस पर टॉपिंग किया और उसके ऊपर चीज किया। ठीक है बच्चों, उसको बात क्या किया उसको हमने, प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों, प्रोसेस में क्या हुआ आदिति, बात नहीं करे बेटा आदिति, बात नहीं, बताओ हमने क्या किया प्रोसेस में, उसको बेक किया, बेक किया और क्या बन गया बच्चों आउटपुट में, पिज्जा हमारा रेडी हो गया, पिज्जा क्या हुआ रेडी हो गया। सेकंड देखो बच्चों, गैस स्टोव मैगी, देखो भैया क्या है हमारे पास डिवाइस, हमारे पास गैस स्टोव है, डिवाइस क्या है गैस स्टोव है, इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग, मैगी नूडल्स वाटर एंड मसाला, क्या कर रहे हैं इसके बाद, उसके बाद हमने प्रोसेस क्या किया बच्चों, उसको 2 मिनट के लिए बॉईल किया, तो क्या होगा हाँ रेडी हो जाएगा नूडल, रेडी हो जाएगा नूडल, हो जाएगा हमारा खाने के लिए रेडी, हम लोग उसको क्या करेंगे फटाफट खा लेंगे, खा लेंगे नहीं खा लेंगे, ये ठंडा हो जाएगा बच्चों, इसमें लिखो रेडी नूडल। सर आज जो स्पेस है ना बेटा, बॉइल फॉर टू मिनट्स में, हाँ सेकंड वाले में जो स्पेस है, सेकंड वाले जो स्पेस है ना उसमें, थर्ड वाला बच्चों देखो, थर्ड वाला ब्लेंडर, हमारे पास डिवाइस है ब्लेंडर, इनपुट है बच्चों मिल्क स्ट्रॉबेरी सिरप शुगर। ठीक है बच्चों, हमारे पास ऐसी चीजें हैं, ठीक है क्या क्या है, मिल्क है स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी सिरप है और शुगर है हमारे पास, ठीक है चीनी है दूध है और स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब हम लोग क्या करें इसको, इसको हम लोग शेक करें, क्या करें शेक, हिलाएगा ना पूरा इसको, यस सर, क्या करेगा शेक करते हैं इसे, शेक करना करते हैं, ठीक है बच्चों तो पूरा हिलाएगा, तो इसको लिखोगे आप लोग शेक, क्या करता है शेक करता है, ठीक है ब्लेंडर क्या करेगा बच्चों शेक करेगा, तो हमारा क्या होगा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार, अब पीने के लिए है क्या तैयार। तो पहले वाले बच्चों भरो रेडी नूडल्स, सेकंड वाले भरो थर्ड वाले में जो है ब्लेंडर वाले में शेक, ओके ओके सर, सबने किया तब बोलो यस, यस बोलो यस सर, यस सर, जी बोलो अदिति क्या बात है हो गया, यस सर। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है जो बाकी रहेगा आप फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके यस ठीक है बच्चों, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, ओके बेटा बाय बाय।